बदल गया है जमाना, यह पहले जैसा नहीं रहा। पहले लोग माँ का पैर छू के निकलते थे और अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। कल एक साइकिल के दुकान पे बोर्ड लगा था, हम बढ़ते पेट्रोल की कीमत से ही नहीं बढ़ते पेट से भी बचाते हैं। पहले फिल्टर पानी साफ करने के लिए होता था और अब शक्ल साफ करने के लिए मोबाइल में होता है। पड़ोसन बोली, फोन बहुत अच्छा है तुम्हारा श्रीमती, भाई ने लेके दिया 50,000 का पड़ा। पड़ोसन, नेकलेस हार भी अच्छा है तुम्हारा श्रीमती, हाँ घर वाले ने लेके दिया 2.5 लाख का पड़ा। पड़ोसन, पति भी अच्छे है तुम्हारे श्रीमती, हाँ पिताजी ने लेके दिया 20 लाख में पड़े। चाहे कितने भी सुविचार भेजो पर भारतीय मनुष्य मोबाइल की लो बैटरी के सिवाय कोई भी बात सीरियसली लेता ही नहीं है। शादी के बाद 5 साल होने पे टीवी, फ्रिज, बीवी और दहेज की गाड़ी सब एक जैसा ही आवाज करती है। भारतीय बहुए कृपया अपने सास का सम्मान करें, क्योंकि यह वही महिला है जो आपको ताने मार मार के एक नंबर की लड़ाकू बना देती है। एक बार भारत में एक भारतीय गाइड किसी विदेशी पर्यटक को दिल्ली घुमा रहा था। भारतीय गाइड ने कहा, यह हमारा संसद भवन है। विदेशी पर्यटक बोला, बस इतना बड़ा तो हमारे यहाँ पिज्जा होता है। भारतीय गाइड चुप रहा और उसे आगे ले गया। थोड़ी देर बाद भारतीय गाइड बोला, ये है हमारा लाल किला। विदेशी पर्यटक बोला, बस इतना तो हमारे यहाँ पे बर्गर होता है। भारतीय गाइड को गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर वह चुप रहा। उसके बाद भारतीय गाइड उसे आगे कुतुब मीनार दिखाने पहुँचा। विदेशी पर्यटक ने पूछा, ये क्या है? भारतीय गाइड बोला, ये तुम्हारे पिज्जा बर्गर पे टोमेटो सॉस डालने की बोतल है। विदेशी पर्यटक बेहोश हो गया, इसलिए भारतीय से ना लेना पंगा वरना पड़ जाता है बहुत महंगा। एक सच बात, जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप ही आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। दोस्तों, इस पल का क्या नाम है? अगर आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपके घर के आंगन, बरामदे या बगीचे में से सिक्के, आभूषण, कोई पुरातन खजाना या तेल निकल जाए तो वो सरकार का है। और अगर इन्हीं जगहों से हथियार और गांजा, ड्रग्स, नशीली चीजें निकल आए तो वह आपके है, हद है। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। ट्रक के पीछे लिखे जाने वाली कोई एक लाइन सुनाओ, कमेंट करके बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं जो पतला हो जाऊं? डॉक्टर, ऐसा करो तुम घी, तेल, मैदा, बेसन, आलू और चीनी की सौगंध खाओ। मरीज बेहोश। दुनिया के सारे नोटों में तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का, हद है। वजन कम करने में राई के दाने बहुत कारगर है। विधि, एक स्टील का बर्तन ले और उसे जमीन से 6 फीट ऊंचाई पे रख दे, फिर 1 किलो राई के दाने जमीन पे बिखेर दे और फिर राई का एक एक दाना जमीन पे से उठा के ऊपर रखे बर्तन में तब तक डाले जब तक राई पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। यह सत्य और आजमाया हुआ तरीका है, जरूर आजमाए। और हाँ, अगर और ज्यादा फायदा चाहते हो तो सूजी के दाने का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा, जनहित में चारी। अगर कहीं आप जल्दी में जा रहे हो और काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो इसका मतलब साफ है कि बिल्ली को आपसे ज्यादा जल्दी है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मम्मी, बेटा कहाँ से आ रहे हो? बेटा, वो फिल्म देखने गया था मम्मी। मम्मी, अच्छा इतनी रात को कौन सी फिल्म? बेटा, माँ की ममता। मम्मी, जा बेटा ऊपर नई फिल्म लगी है वह भी देख ले जरा। बेटा, कौन सी? मम्मी, बाप का कहर। एक सच बात, व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई परिस्थितियां होती है जहां ज्ञान विफल हो जाता है लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। एक नेता की गाड़ी पे लिखा था, सांसद हाँ हो। जब नेता को हाँ हो का मतलब पूछा गया तो पता चला सांसद हारा हुआ, हद है।
इंजीनियरिंग के बाद अंकल बेटा आजकल क्या कर रहे हो? लड़का बस अंकल इसी सवाल से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकल बेहोश। एक अच्छा समझदार पति हो ऐसा जताने के लिए एक आदमी काली पड़ी हुई कढ़ाई को खिस खिस के मांझ के उसे चांदी की तरह चमका दिया। पत्नी की नजर जब कढ़ाई पे पड़ी तब वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें अकल है भी या नहीं, ये नॉनस्टिक कढ़ाई थी। कौन कहता है कि हवा मुफ्त की होती है? कौन कहता है कि हवा मुफ्त की होती है जनाब? कभी चिप्स का 10 रुपए वाला पैकेट खरीद के देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए की चिप्स होती है। वाह वाह। पतिदेव चंपक बोला, ये सुबह उठ के कहाँ जा रही हो? पत्नी, मॉर्निंग वॉक पे। पतिदेव चंपक, पार्क में जानवर को आने नहीं देते हैं। पत्नी, इसलिए तो आपको लेके नहीं जा रही हूँ। चंपक जी बेहोश हो गए। आजकल के जमाने में हर बच्चों के लिए अलग कमरा और अलग टीवी होता है। एक हमारा जमाना था, एक ही कमरे में 2-3 भाई बहन टीवी में अपने पसंद के चैनल देखने के लिए एक दूसरे के बाल नोचते थे। ताऊ अस्पताल में भर्ती था, बोतल चढ़ाने के लिए नर्स आई। ताऊ ने नर्स से पूछा, यह किसकी बोतल है? नर्स, इसके अंदर विटामिन होते हैं, इससे आपको भोजन जितनी शक्ति मिलेगी। ताऊ, ठीक है, फिर इसके बाद मुझे छाछ की बोतल भी चढ़ा दीजिएगा। वो क्या है, मुझे भोजन के बाद छाछ पीने की आदत है। नर्स बेहोश हो गई। कोई भी कागज पे वजन रखने से वह अपनी जगह से हिलता नहीं है, न्यूटन। लेकिन सरकारी कागज पे वजन रखने से वह तेजी से चलता है, न्यूटन का भाई। पैसा बोले टन टन। पहला दोस्त बोला, यदि आपकी पत्नी खूबसूरत, समझदार, ध्यान रखने वाली, कभी न चलने वाली, अच्छा खाना बनाने वाली और न झगड़ने वाली हो तो उसे आप क्या नाम दोगे? दूसरा दोस्त बोला, अफवाह। किसी की शादी का कार्ड अपने हाथ में आने पे आप सबसे पहले उस कार्ड में क्या देखते हो? चलो सब कमेंट करके बताओ। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। भारत में फर्स्ट क्लास में पास होने वाले विद्यार्थी टेक्निकल में प्रवेश लेते हैं और वो डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। सेकंड क्लास में पास होने वाले बीए में एडमिशन लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं और फर्स्ट क्लास वालों को हैंडल करते हैं। थर्ड क्लास पास होने वाले कहीं पे भी प्रवेश नहीं लेते हैं और वो पॉलिटिक्स में जाते हैं और वो फर्स्ट और सेकंड क्लास वालों को हैंडल करते हैं। फेल होने वाले भी कहीं पे भी प्रवेश नहीं लेते हैं और वो अंडरवर्ल्ड में जाके तीनों पे कंट्रोल करते हैं। और जो कभी स्कूल में गए ही नहीं वो बाबा साधु बनते हैं और ऊपर लिखे चारों उनके पैर पड़ते हैं। एक सच बात, जीवन के मध्यकाल में पत्नी से बड़ा कोई सहारा नहीं, इसलिए युवावस्था में उसकी कद्र कर लो, वो तुम्हारा बुढ़ापा सवार देंगी। इस दुनिया में मासूम आदमी वही है जिसका मोबाइल सारे घर वाले चलाते हैं, बाकी सब मोह माया है। कब्र का हाल मुर्दा जानता है और पथरी का हाल गुर्दा जानता है। शायरी एक मेडिकल स्टूडेंट की कलम से। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है। घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है, जिंदगी में बहुत धक्के खाए तब जाके पता चला कि गर्मी ना तो खून में, ना तो जून में और ना ही ऊन में होती है, गर्मी तो नोटों के चुनून में होती है। सावधान, आजकल कुछ लोग दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल के खुद दोबारा सो जाते हैं। कृपया ऐसे लोगों के झांसे में आके अपनी नींद खराब ना करें। सच्चा प्यार तो इस दुनिया में सिर्फ मोबाइल अपने चार्जर से करता है, एक दिन भी मिले बिना नहीं रह सकता। हमारी तरह कौन कौन ऐसा है जिसके फोन में अनलिमिटेड डाटा और कॉल दोनों है, लेकिन यूज केवल डाटा का ही करता है।
बचपन में चिड़िया उड़, कबूतर उड़, अप्रैल उड़, मई उड़, एग्जाम उड़, और अब जवानी में करियर उड़, दुकान उड़, व्यापार उड़, जिंदगी उड़। शादी को 60 साल हो गए, एक कपल का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। एक आदमी ने पूछा, इसका क्या रहस्य है? तो चाचा जी बोले, हमने शादी के बाद फैसला किया था कि जब भी झगड़ा हो तब जिसका कुसूर होगा वह 5 किलोमीटर पैदल चलेगा, और आपकी चाची का तो कुसूर होता ही नहीं है, इसलिए मेरा रोज 5 किलोमीटर का चलना हो जाता। आदमी ने फिर पूछा, तो फिर चाची जी की तबीयत का रहस्य? चाचा जी बोले, वह पीछे पीछे देखने आती है कि मैं चल रहा हूँ या नहीं। एक सच बात, अगर तुम निश्चित होना चाहते हो तो बस अपने को हटा लो और परमात्मा को करने दो। चाहे जो करे, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, पहुँचाए कहीं तो ठीक, ना पहुँचाए तो भी ठीक। तुम सारी चिंता उस पे छोड़ दो जिस पे इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे चलते हैं, ऋतुएं घूमती है, सूरज निकलता है, डूबता है, इतना विराट जीवन का सागर, इतनी लहर जो संभाले हुए है, तुम्हारी भी छोटी लहर संभाल लेगा। तुम अपनी लहर को अपना अहंकार मत बनाओ, तुम अपनी लहर को उसके हाथ में समर्पित कर दो। बस उस पे भरोसा करके अपना सत्कर्म करते चलो, देखो फिर जीवन भी उत्सव की तरह हो जाएगा।